नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सोशल इंडियन और यहाँ पर आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इसकी वजह है यह कि मैंने कविता लिखी और मैं चाहता हूँ कि आप कविता को फील करें और मेरे चेहरे को देखकर भ्रमित ना हो। तो एक मिनट के लिए आंखें बंद करें और इस कविता को जरा ध्यान से सुने। यह कविता स्पेशली सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। 10वीं कक्षा थी, बोर्ड की परीक्षा थी, मार्च के दिन थे, चैन के दिन थे, दिन में परीक्षा थी, रात में उसकी समीक्षा थी। फेसबुक व्हाट्सएप भी मैं छोड़ चुका था, पढ़ाई की तरफ अपना मुंह मोड़ चुका था, खेलना कूदना भी जैसे गया था मैं भूल। जिंदगी थी मेरी स्कूल से घर और घर से स्कूल, किताबों को ही मैंने अपना मित्र बना लिया था और पढ़ाई को ही जीवन का इत्र बना लिया था। हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट भी अब मैं पढ़ने लगा था, सफलता की सीढ़ियां मानो मैं चढ़ने लगा था। रिविजन भी किया सुबह जल्दी जाग कर, सेंटर भी पहुंचा मैं दौड़ भाग कर, खत्म हुई परीक्षा अब करूंगा मैं आराम, घूमूंगा फिरूंगा और खेलूंगा सुबह शाम। फिर उड़ते उड़ते एक खबर आई, CBSE ने तो भैया सबकी नींद उड़ाई, पेपर लीक हो गए हैं और हमारे होश गए, अब चीटर्स भी हमारे बराबर नंबर लाएंगे, घोड़ों की रेस में अब गधे भी दौड़ लगाएंगे, घोड़ों की रेस में अब गधे भी दौड़ लगाएंगे। CBSE ने दिया धोखा और गलत हुआ अंजाम, ना जाने कब खत्म होंगे मेरे बोर्ड एग्जाम, ना जाने कब खत्म होंगे मेरे बोर्ड एग्जाम। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे मिलेंगे आपको लेटेस्ट अपडेट और अच्छी अच्छी वीडियोस। भारत माता की जय, जय हिंद।